प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज चंग की घड़ी की तुंग हार दो मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आनंद है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो मान वान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन पान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो ओम शांति। एक राज्य में एक भव्य उत्सव था और उस उत्सव में एक नाटक का आयोजन था और उस नाटक में एक 5 साल की बच्ची का एक पात्र था। रैन वक्त पर 5 साल की वो कन्या बीमार पड़ जाती है और राजा को और रानी को ये चिंता हो जाती है कि राज परिवार का ये आयोजन है, ये उत्सव राज परिवार की तरफ से है, ये नाटक तो बहुत महत्वपूर्ण है, अब कौन किरदार अदा करेगा। रानी को विचार आता है कि हमारा 5 साल का बेटा है, क्यों ना उसी को राजकुमारी बनाकर उस नाटक में पेश किया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उस 5 साल की राजकुमार को राजकुमारी का वेश पहनाया जाता है और सब कुछ संवाद सिखा दिए जाते हैं और वो नाटक इतना उत्कृष्ट होता है कि बहुत प्रशंसा होती है, सब लोग को बहुत पसंद आता है वो नाटक और कोई पहचान भी नहीं पाता है कि वो जो राजकुमारी है वो वास्तव में राजकुमार है। और रानी भी इतनी खुश हो जाती है कि देश के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार को पुकारती है, बुलाती है और उसे कहती है कि राजकुमार का इसी राजकुमारी के वस्त्रों में एक चित्र निकाला जाए यादगार स्वरूप। और वो चित्र निकला जाता है, बहुत सुंदर चित्र। घटना पूरी हो जाती है, राजकुमार बड़ा होता है, 20-25 वर्ष का हो जाता है, बहुत सुंदर दिखने में। और एक दिन राजभवन में भटकते भटकते एक कमरे में पहुंचता है और वहां देखता है एक चित्र एक राजकुमारी का, वो पुराना चित्र।
और जैसे ही चित्र को देखता है आकर्षित होता है, और फिर जब नीचे तारीख पड़ता है तो उसके मन में आता है अब ये राजकुमारी मेरी ही उम्र की हो गई होगी, और वो राजकुमारी इतनी सुंदर है दिखने को बचपन में, और मेरी भी तो उम्र अभी उतनी है जैसी जिसकी इतनी होगी, और उसको उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है। कौन सी राजकुमारी से? चित्र वाली राजकुमारी से। बार बार कमरे में आता है, उस चित्र को देखते रहता है कि अगर ये राजकुमारी का चित्र है तो जरूर वो कहीं ना कहीं तो होगी, और धीरे धीरे उसकी खोज चालू करता है राज्य में, पर बहुत ढूंढने के बाद भी वो कहीं ढूंढ मिलती नहीं। फिर धीरे धीरे उदास गमगीन मन नहीं लगता राज कारोबार में, इश्क प्यार मोहब्बत कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दिन रात उस राजकुमारी के स्वप्न, कहाँ मिलेगी, कहाँ होगी, क्या नाम होगा, कहाँ ढूंढू, अकेला घोड़े पर सवार राज्य में ढूंढता रहता है कहीं तो मिल जाए, पर कहीं नहीं मिलती वो, और ही ज्यादा दुखी होता है अंदर से। पर किसको बताए, ऐसी बातें किसी को बताई थोड़ी जाती है, गुप्त बातें हैं। राज्य का बूढ़ा मंत्री देखता है राजकुमार को क्या हो गया है, पहले तो बहुत रुचि थी राज कारोबार में, अभी तो जैसे रुचि खत्म हो गई है, हर चीज में रुचि खत्म हो गई है। उसको पूछते हैं क्या बात है, राजकुमार कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। मंत्री कहता है नहीं जरूर कुछ है, बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार कहता है मुझे प्यार हो गया है। मंत्री कहता है किससे? वो कहता है एक राजकुमारी से। नाम क्या है? पता नहीं। किस देश की राजकन्या है? पता नहीं। फिर प्यार हुआ कैसे, तुम कहां मिले उससे? वो कहता है मिला नहीं हूं अभी तक। फिर प्यार हुआ ही कैसे? मंत्री को ले जाता है उस कमरे में और दिखाता है ये है। मंत्री देखता है, वो कहता है ये तो छोटी कन्या है। राजकुमार कहता है कन्या नहीं, तारीख देखो नीचे, तारीख लिखी हुई है जब ये चित्र उस कन्या का निकाला गया। तो मंत्री देखता है और राजकुमार कहता है अब वो मेरी ही उम्र की होगी, इसे ही ढूंढना है। और जैसे ही बूढ़ा मंत्री वो देखता है, उसे वो 20-25 साल पुरानी घटना याद आ जाती है जब वो मंत्री उस समय विद्यमान था। राजकुमार तो बस दीवाना हो चुका है प्यार में, बस वही दिखाई देती है दिन रात, और तो कुछ दिखता ही नहीं उसे। और मंत्री जैसे ही वो चित्र ध्यान से देखता है और तारीख पढ़ता है, उसे उस घटना की याद आती है, उस नाटक की जिसमें वो राजकुमार राजकुमारी बनी थी, और वो हंसता है और उस राजकुमार को कहता है अरे ये तो तुम ही हो। और जैसे ही राजकुमार को पता चलता है ये मैं ही हूँ, उसका सारा मोह, उसका सारा प्यार, उसकी सारी वो मोहब्बत, वो इश्क, वो इन्फैचुएशन एक सेकंड में खत्म। जैसे ही ये पता चलता है कि तुम वो हो, जैसे ही ये पता चलता है तत्वमसि थाउ आर्ट दैट, सारा मोह, सारा मन की दुर्बलता एक क्षण में समाप्त। जैसे ही आत्मा जानती है नच भाति भूत संगम, ये शरीर मैं नहीं, मैं वो हूं तत्वमसि, ये मैं नहीं, ये मैं कहां फंस रहा हूं, ये मैं किस में फंस रहा हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, ये मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा अस्तित्व वो है स्वतंत्र ब्रह्मचारी
संपूर्ण पवित्र, और जैसे ही वो अनुभूति होती है ये सारा मोह, ये सारा लोभ, ये सारा विकार का जंजाल एक क्षण में खत्म। मोह का विस्तार हुआ है, काम का विस्तार हुआ है अज्ञान के कारण। जैसे ही पता चल जाए कि ये मैं नहीं, नेति नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, ये जो फंस रहा है, ये जो इन्वॉल्व हो रहा है, ये जो दुर्बल है, ये जो चंचल होता है, विचलित होता है शरीर को देखकर, शायद स्वयं ही स्वयं को शरीर समझ रहा है, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं, मैं कुछ और हूं। तद्भाति निष्कलमहम, वो निष्कलंक, वो निष्पाप, वो निर्लिप्त आत्मा मैं हूं। बस यहीं तक पहुंचना है। जब पता चल जाए क्रॉस ये मैं थोड़ी हूं, अपने आप को अपने ही स्वरूप में स्थित रखना है, ऊंचा, नीचे आते ही शरीर, शरीर भान, शरीर का आकर्षण, नीचे सब गड़बड़ है, ऊपर स्थिरता है, एकाग्रता है, निर्बंधन है, नीचे बंधन ही बंधन है, जकड़ते हैं, पकड़ते हैं, पागल कर देते हैं। अपने आप को एक बात निरंतर समझाते रहना है, जो कमेंट्री में भी हमने कही, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। डायरिया जिन्होंने रखी थी वो ले सकते, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। आई डू नॉट एक्सेप्ट एनी बॉन्डेज। अपने आप को बार बार समझाते रहना, बताते रहना, ये तुम कहाँ फंस रहे हो, ये मोह है, ये इन्फैचुएशन है, क्रश, ट्रांसिएंट है, थोड़े समय के लिए है बस, अल्पकाल का सुख है उसमें, और फिर एक गहरी अशांति, गहरी कुंठा, गहरा फ्रस्ट्रेशन, और कुछ भी नहीं। थोड़े समय के लिए सुख है बस, इंद्रियों की हलचल, बाद में संस्कार बन जाता है, दुख बन जाता है, और दुख से और मोह से और इन्फैचुएशन से मुक्त होने के लिए कितना समय लगा राजकुमार को, 1 सेकंड। पर वो जागृति संपूर्ण जागृति थी कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये तो मैं ही हूं। 1 सेकंड में सारा मोह खत्म हो गया। अगर उसको किसी और रीति से समझाया गया होता कि ये राजकुमारी किसी और राज्य की है, तुम उसे भूल जाओ, तो क्या हुआ होता, और वही चाहिए फिर तो। ये शत्रु देश की है, फिर तो वही चाहिए, लड़ाई करेंगे पर वो चाहिए। यहां ना लड़ाई की गई ना कुछ की गई, क्या किया गया, ज्ञान दिया गया। ज्ञान प्रकाश है, काम विकार अंधकार है, पवित्रता प्रकाश है। काम से लड़ते नहीं रहना है, लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। क्या करना है, प्यूरिटी को लाना है, अपने आप अंधकार विलीन हो जाएगा। ये कमरे में 1000 साल से अंधकार है, कैसे हटाएंगे, तलवार से, लड़ाई करके, सेना लेकर आएंगे, धक्का देंगे अंधकार को, निकल बाहर, क्या करेंगे, प्रकाश, बस प्रकाश रख दो, अंधकार अपने आप चला जाएगा। और जब प्रकाश कम होगा, अंधकार फिर आएगा।
जब प्यूरिटी की अवेयरनेस कम हो जाती है, अपने आप अंधकार आएगा, पश्चाताप छोड़कर चला जाएगा, काम उस पड़ोसी की तरह है जिससे हम मिलना ही नहीं चाहते पर वो अचानक आ जाता है। हम बैठे खिड़की से झांक कर देखता है, हमें तो उससे नफरत है, चल रहे हैं दुकान में है, दुकानदार के पीछे जाके खड़ा हो जाता है वो पड़ोसी अनइनवाइटेड। हम तो देखना ही नहीं चाहते, अचानक आ जाता है, भोजन कर रहे पीछे से आके भो करता है, हमारी तो इच्छा ही नहीं है उससे मिलने की, अचानक आ जाता है, सडन कहां से निकलता है पता नहीं, अवचेतन की गहराई से अचानक आता है, और आता है फुर्सत के समय, आता है लेजर के समय, आता है जब हम कोई कुछ नहीं कर रहे, शांति से बैठे, आता है धक्का देता है और भाग जाता है। छोटा सा एक बच्चा किसी दरवाजे पर खड़ा है घर के बाहर, और वो जो बेल है उसको बजाने की कोशिश कर रहा है पर हाथ तो उसका पहुंचता नहीं। एक पादरी वहां से जा रहा है, वो देखता है ये बच्चा बेचारा कोशिश कर रहा है बेल बजाने की। पादरी जाता है उसके पास फादर और पूछते हैं क्या समस्या है, वो कहता है बेल बजानी है। पादरी कहता है मैं बजा देता हूँ, और पादरी बेल बजाता है, और बच्चे से कहते हैं अब क्या, बच्चा कहते हैं अब क्या भागो अब कुछ करना थोड़ी है, बेल बजा और भागो, काम बेकार आता है, बेल बजाता है और भाग जाता है। हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, कोई आता है एक पीछे से मारता है और भाग जाता है आगे, न जान न पहचान, मजा आता है उनको। हम जा रहे हैं, धक्का दिया और चले गए। हम कहते क्यों गिराया, वो कहता है सॉरी और चला गया। ज्ञान को लाना है, ज्ञान की पकड़ को मजबूत करना है, चिंतन को बढ़ाना है। हर चीज समझी जाती है, अपूर्ण ज्ञान होता है इसलिए अभिमन्यु की तरह फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, शायद विकारों का हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए बार बार फंसते हैं उसमें। स्थूल रूप से हट गए पर सूक्ष्म अभी भी है, जैसे दिखाया एक चोर, रोज चोरी करता है, कई सालों से कर रहा है, अचानक उसकी मुलाकात एक साधु से हो जाती है, एक गुरु से, और गुरु को देखकर उसके मन में आता है कि ये बहुत खराब मैं कर रहा हूं। पवित्र आत्माओं को देखकर पवित्र संकल्प जागृत होते, वैसे उस योगी को देखकर इस चोर के मन में भी जागृत होता है एक भाव कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भी अब सच्चाई से जीवन व्यतीत करना है। और वो साधु के पास जाता है, कहता है कि मुझे भी आप जैसा बनना है। साधु कहता है ठीक, मेरे इतने सारे शिष्य हैं, तुम भी आ जाओ उसमें, पर हम लोग एक स्थान पर टिकते नहीं हैं, एक शहर से दूसरे शहर प्रवचन करते फिरते हैं। वो कहता है मैं भी अब आप ही की तरह योगी जोगी बनूंगा, और वो भी उनके मंडली में शामिल हो जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान। दिन भर तो सब ठीक रहता है पर रात में कुछ गड़बड़ होती है। सुबह जब सभी साधु सभी शिष्य उठते हैं तो देखते हैं किसी का थैला गायब है। कोई देखता है मेरी चप्पल कहाँ है, तो इधर की चप्पल उधर रखी रहती है। कोई अपनी थैली चेक करता है, थैली में कोई किताब नहीं है, वो यहाँ की किताब वहाँ रखी है।
समझ नहीं आता ये कौन कर रहा है, पर चोरी हुई नहीं है, वस्तुएं इधर उधर हो रही है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, आखिर वो गुरु पूछते ये कौन कर रहा है, और फिर पता चलता है ये जो चोर था पहले ये काम कर रहा है। चोरी तो नहीं कर रहा है, पर क्या कर रहा है, हेरा फेरी, इधर की वस्तु उधर, उधर की वस्तु उधर, उधर की वस्तु इधर, इधर की वस्तु उधर। क्यों? संस्कार है। अब तक चोरी कर रहा था, अब सत्संग में आ गया, पर संस्कार तो अभी भी चालू है। चोरी तो नहीं कर रहा है, पर इधर की वस्तु निकाल के उधर, उधर की वस्तु निकाल के इधर, और सब परेशान। उसी तरह विकार स्थूल रूप से तो चले जाते हैं, पर सूक्ष्म रूप से रह जाते हैं, हेरा फेरी चालू रहती है। तो आज का हमारा विषय है, चोर चोरी से तो जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। पांच महा ठग है, पांच महा चोर है, पांच महा डाकू, पांच विकार। स्थूल तो शायद चले गए, पर उनके सूक्ष्म रूप रह जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे काम से, लस्ट, काम अर्थात कामना, देह के भोग की कामना, और व्यक्ति अपने काम को हमेशा प्रेम का नाम देता है, जबकि उसे प्रेम का कोई अनुभव नहीं। प्रेम का तो संबंध ही नहीं है शरीर से, और काम तो केवल शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। प्रेम परमात्मा की अभिव्यक्ति है, काम तो विकारों में गुरु है। हर व्यक्ति छिपे हुए काम को प्रेम का नाम देता है, ढकता है उसे। और ये सेल्फ डिसेप्शन है। काम से मुक्ति का मार्ग है पहले स्वीकार करना कि ये हम में है, क्योंकि 63 जन्म आत्मा विकारों के गर्त में डूबी रही, और बाबा के महावाक्य है कि तुमने सबसे ज्यादा पाप काम विकार के द्वारा किए, क्रोध के द्वारा नहीं, लोभ के द्वारा नहीं, मोह के द्वारा नहीं, अहंकार के द्वारा नहीं, क्योंकि इन चारों विकारों में देहभान की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी काम में है। वहां पे संपूर्ण भाव है कि मैं पुरुष हूं और मैं स्त्री हूं। और फिर उसमें व्यक्ति प्रवेश करता है, और सबसे गहरे संस्कार भी काम के हैं, क्रोध के नहीं, लोभ के नहीं, मोह के नहीं, अहंकार के नहीं। इसलिए आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, सबका प्रभाव पड़ रहा है, हर चीज अंदर प्रवेश कर रही है। तो काम के सूक्ष्म स्वरूप क्या क्या है? पहला, देखना, दर्शनम, केवल देखना। शरीर को देखकर व्यक्ति अपनी काम की पूर्ति करता है। जब बाकी सारे मार्ग बंद हो जाए, ब्रह्मचारी है, किसी संगठन में है, सन्यासी है, किसी चर्च में नन है, फादर है, किसी बौद्ध आश्रम में, जैन आश्रम में भिक्षु है, भिक्षुनी है, किसी जैन संस्था में साधक साध्वी है, या फिर किसी आश्रम में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है। स्थूल मार्ग खत्म हो गए, क्योंकि संस्था में प्रवेश कर लिए, और वहां ब्रह्मचर्य का नियम है, परंतु काम को जीता नहीं है। व्यक्ति तृप्त करता है देखकर। किस दृष्टि से हम देख रहे हैं,
एक बार किसी स्त्री को देख लेना नैसर्गिक है, पर पलट कर दोबारा देखना इच्छा है, तीसरी बार फिर देखना वासना। देखना अव्यक्त मुरली है बाबा की कुमारों से मुलाकात। ये शरीर सांप है, सांप में विष होता है, इसलिए सभी कुमारों को बाबा कहते हैं। आज से केवल मस्तक मणि को देखेंगे, बस यहां इसके नीचे देखने की आवश्यकता नहीं, केवल मस्तक मणि, ये प्रतिज्ञा करो। वो सांप ने अगर काटा तो बचाया जा सकता है, परंतु काम के सांप ने जिसको काटा बचना बहुत मुश्किल है। इच्छाएं बढ़ती जाती है, कभी भी तृप्त नहीं होती है। टेस्ट ऑफ लस्ट इज फॉल ऑफ मैन। देखना, जब भी किसी को देखे, एक क्लास हमने कभी कराई थी निर्विकार दृष्टि, उसमें एक ब्रह्मा कुमार किसी बहन को या ब्रह्मा कुमारी को देखे तो किस रूप में देखे, वो नव रूप है उसमें, वो सुन सकते हैं, किस किस रूप में देखा जाए। दृष्टि को निर्विकार कैसे बनाया जाए, क्योंकि शरीर पर दृष्टि पड़ते ही शरीर का आकर्षण चालू हो जाता है। अगर शरीर को देखना ही है तो वैसा शरीर देखो जो वो वास्तविक है, अंदर से क्या भरा है उसमें, कूड़ा कचरा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यही सब है उसमें। देखना, देखे तो निर्विकार दृष्टि से, वो देखना काम विकार की क्रिया ना बन जाए। बाइबल में जीसस क्राइस्ट कहता है, ही हु लुक्स अपॉन अ वुमन विथ लस्ट हैज ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री इन द हार्ट। एडल्ट्री अर्थात व्यभिचार। तो काम का सूक्ष्म रूप है विकारी दृष्टि, दैहिक दृष्टि, बॉडी कॉन्शियस विजन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे निसंसिताम नमस्तस्तु नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई, पहली रात माँ शारदा देवी को सामने बिठाए और उससे पूछा, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? माँ शारदा कहती है, मैं गिराने नहीं, तुम्हारी उन्नति करने आई हूँ, तुम्हारी मददगार बनने आई हूँ। उसी रात वो उसको देवी समझकर षोडशी पूजा करते हैं, उसकी माँ है, साक्षात दुर्गा है, यंग है, पत्नी जवान है, उसको पहले ही रात क्या समझा, माँ। कितनी ऊंची भावना है, और केवल समझा नहीं, जीवन पर्यंत समझा। वो भोग वस्तु नहीं है, काम में व्यक्ति वस्तु बन जाता है, प्रेम में व्यक्ति आत्मिक स्वरूप और उससे भी ऊंचा उड़ जाता है। काम तो केवल वस्तु को जानता है, टिश्यू पेपर बन जाता है, यूज किया और फेंक दिया, और ऊपर का जो कुछ है दिन भर का वो सब ढोंग रहता है।
तृप्ति के लिए, खुश करना ऊपर से जो प्रेम बरसाना है, उसके रिटर्न में व्यक्ति काम की पूर्ति चाहता है। देखना किस दृष्टि से देखा जा रहा है, शरीर दिख रहा है या आत्मा दिख रही है, वस्तु दिखाई दे रही है या व्यक्ति। तो काम का सबसे सूक्ष्म रूप है देखना। ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी काम की तृप्ति एक दूसरे को देखकर करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा है अपनी दृष्टि का ऑपरेशन करो, दृष्टि को ही बदल दो। दृष्टि को ही परिवर्तन कर दिया तो आगे की जितनी बातें वो चालू ही नहीं होगी, नहीं तो चालू हो जाएगी। सो कॉल्ड लव एट फर्स्ट साइट, वो लव नहीं है, दैट इज लस्ट एट फर्स्ट साइट। उसको चेंज करना चाहिए। लव ऐसा नहीं होता है। दूसरा, दर्शनम, स्पर्श करना। काम का पहला रूप देखना, दूसरा रूप टच। स्वामी विवेकानंद से पूछा गया था कि शिकागो की उस सभा में इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने सीनियर, इतने ज्ञानी, उम्र में बड़े, फिर भी आपने जो कुछ बोला 10-15 मिनट, उसमें भी कुछ खास ऐसे नहीं बोला, पर इतना प्रभाव क्यों पड़ा? उन्होंने खुद ही अपने एक लेटर में लिखा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। आई हैव नॉट अलाउड माई माइंड टू हैव अ सिंगल सेक्सुअल थॉट इन माई लाइफ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ओजस एंड द तेजस ऑफ ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का ओज और तेज था वो, जो उन शब्दों के पीछे बोल रहा था। टच। हमारे ओपीडी में जैन साध्वी आती है, कितनी पक्की धारणा है उनकी पवित्रता की, ब्रह्मचर्य की। ओपीडी पेपर अगर उनको ऐसे दो, वो कहती है नीचे रखो, फिर उठाती है। अगर वहां पे कोई पुरुष बैठा है 20-25 मिनट या ज्यादा, वो नहीं बैठती है चेयर पर। टच से ही माया चालू होती है। हाथ मिलाते हैं, टू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, खींचता है, दोस्ती चालू होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। वी आर फ्रेंड्स, दो स्कूल है, एक बॉय स्कूल एक गर्ल स्कूल। 10th स्टैंडर्ड तक सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर 11th में एंट्री करते हैं, जहां पे बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर, वहां से सारी गड़बड़ चालू हो जाती है। क्योंकि वही सिखाया जाता है, वही बताया जाता है, और वहां से उस टच से मन में प्रकंपन चालू होते, वहीं तक रुकता नहीं है, और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। वो टच भी काम का ही रूप है, और हमारा टच बहुत प्योर टच होना चाहिए।
अगर है भी तो जैसे माँ का, जैसे कोई डॉक्टर है मरीज को स्पर्श कर रहा है, प्यूरिटी है उसमें, विकार की भावना नहीं, ठीक करने की भावना है, या माँ का जैसा स्पर्श है वैसा स्पर्श। स्पर्श से ही पता चलता है स्पर्श विकारी है कि निर्विकारी है। देखना स्पर्शनम। तीसरा प्रशंसा, किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा करना, ये बहन बहुत अच्छी है, इसमें बहुत गुण है, प्रभावित हो जाना किसी से, इतना अधिक प्रभावित हो जाना कि वही अच्छी लगती है, उसी का सब कुछ अच्छा लगता है, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसका बोलना अच्छा लगता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उसके साथ घूमना अच्छा लगता है, अगर ज्ञानी योगी है तो उसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, वो जब मुरली सुनाए तो अच्छा लगता है, नहीं तो इच्छा नहीं होती। व्यक्ति की के प्रभाव में है, व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, यह है बहुत अच्छी, ये काम का ही अंश है। ये हम भूल रहे हैं कि उसमें वो विशेषता भरी किसने, इसलिए प्रभावित हो रहे। काम का स्थूल रूप तो छोड़ दिया पर ये बचा है। इस ब्रह्मा कुमार जीवन का एक ही मंत्र है, एकला चालो रे, अकेले ही चलना है इसमें, किसी को साथ में लिया गिरना निश्चित है। वो रेस देखिए ना, बोरा एक बोरी में एक पैर इधर एक पैर उधर बांधते और भागो, क्या कहते हैं उसे, टू लेगेड रेस, थ्री लेगेड रेस, अकेले ही तो भागना मुश्किल है, किसी को लेके भागने की सोच रहे। पवित्र प्रेम, हम दोनों साथ साथ चलेंगे ज्ञान में, अकेले का ही ठिकाना नहीं है, किसी को लेके चलने की सोच रहे। इतना आसान है वो, बड़े बड़े योगी फेल हो गए उसमें, इसीलिए संगठन बहुत जरूरी है। कहानी है व्यास की और सुखदेव की, वो सुखदेव कहता है मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अकेला रह सकता हूं। व्यास कहते हैं योगियों और ब्रह्मचारियों का संगठन बहुत आवश्यक है, वो कहता है मुझे कोई माया स्पर्श नहीं कर सकती। व्यास कहते ठीक है देखते हैं। कुछ दिनों के बाद व्यास उसको अपने उससे कहते हैं कि मैं 2 मास के लिए तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, तुम अकेले रहना, सब कुछ संभाल लेना। वो कहते ठीक है। सुखदेव तपस्या कर रहे हैं अपनी कुटिया में, एक रात बारिश हो रही है जोर से, और बारिश में एक स्त्री की आवाज आती है, बाहर ठंड है, वो संत हृदय है, नवनीत समाना, मक्खन की तरह हृदय होता है, दयावान, सब पर कृपा करने वाला। वो देखता है एक कन्या एक युवती बाहर खड़ी है, बारिश हो रही है, उसको ठंड लग रही है, उसको कहता है कि आप यहाँ आके खड़े हो जाइए कुटिया के पास। वो कुटिया के पास आके खड़ी होती है, अंदर जाके तपस्या करता है, फिर थोड़ी सी हलचल होती है मन में, वो कहता है आप अंदर आ जाओ, वो अंदर आ जाती है, फिर तपस्या करने बैठता है, फिर मन विचलित होता है, फिर उसको देखता है, वो कहता है थोड़े ये गर्म वस्त्र ले लो, और फिर तो कहाँ तपस्या, आंखें बंद नहीं कर सकता, बैठता है, वो भी बैठती है, और फिर उसके समीप जाता है
पूछता है कहां से हो, क्या हो, और धीरे धीरे उसके हाथ ही पकड़ लेता है। तुम चिंता नहीं करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। और उतने में वो कन्या अदृश्य हो जाती है, व्यास प्रकट हो जाते। कहते बच्चू अब क्या हुआ, तुम तो बड़ी डिंगे हाँकते थे, मैं ब्रह्मचारी हूं, अब क्या हुआ? इसके लिए ब्रह्मचर्य का घमंड कभी ना हो। किसी भी क्षण माया आ जाएगी और गिरा देगी। प्यूरिटी का अभिमान कभी भी ना हो। एक महिला थी, उसको इतना घमंड था अपनी प्यूरिटी का, एक सन्यासी ने दूसरे को तुच्छ समझती थी, गृहस्थियों को एकदम तुच्छ, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल, दूर, शूद्र समझती थी सबको। गुरु के पास जाती है, कहती है मुझे जाति स्मरण सीखना है। जाति स्मरण अर्थात पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट बर्थ में मैं क्या थी। गुरु समझाते हैं छोड़ो क्या करना है, वो कहती नहीं मुझे सीखना है, मैंने कई लोगों को सीखा देखा है, मुझे अपने जन्मों का पता करना है क्या थी मैं। गुरु कहता है मैं नहीं सिखा सकता छोड़ो, पर वो पीछे ही पड़ जाती है। तो गुरु उसको सिखाते हैं, और सिखाने के बाद एक दिन ऐसा होता है आधी रात को उठ के अपने गुरु के पास जाती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। गुरु कहता है क्या हुआ, वो कहता है मुझे, वो कहती है मुझे पुराना सारा दिख गया, मैं क्या थी, क्योंकि पास्ट जन्म या अभी हम यहां हैं, पास्ट इस जन्म और उस जन्म के बीच एक दरवाजा है, दरवाजा जब खुलता है तो सारी उधर की स्मृतियां एकदम आने लगती है, इधर बाढ़ आ जाती है स्मृतियों की, फिर रोक नहीं सकते। वो कहती है मैं क्या करूं, मुझे भूल जाना है, मैं वो याद नहीं करना है मुझे। गुरु कहता है आखिर तुमने देखा क्या, वो कहती है मैंने देखा पिछले जन्म में मैं एक वेश्या थी, अब मुझे सब कुछ भूलना है। गुरु कहते अब कुछ नहीं कर सकते, दरवाजा खुल गया है अवचेतन का, सब कुछ तो समाया इतने जन्मों का। इसके लिए ब्रह्मचर्य का, प्यूरिटी का अहंकार जब किया, दूसरों को शूद्र समझा, उसी समय माया आएगी और गिरेंगे नीचे। तो तीसरा स्वरूप है काम का, प्रशंसा, स्तुति। चौथा स्वरूप संस्कृत में कहते हैं केली, केली अर्थात खेलना, साथ साथ खेलना, स्त्री और पुरुष साथ साथ खेलना, आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स। और अभी तो एक सूक्ष्म खेल है व्हाट्सएप का खेल, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, एक मैसेज इधर से, एक मैसेज उधर से, मैसेज मैसेज पर खेल चालू है। कभी वो रूठता है, कभी वो रूठती है, रूठना रूसना मनाना, समय उसमें जा रहा है। ब्रह्मा कुमारों का, कुमारियों का, खेलना आवश्यकता नहीं है। जो उधर से डिस्टर्बेंस आएगा उसका परिणाम बहुत गहरा होगा। पांचवा स्वरूप गुह्य भाष्य, गुह्य भाष्य अर्थात सीक्रेट टॉक्स, छुप छुप के बातें करना, फोन पर लंबी लंबी बातें, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। ये भी काम का ही रूप है। छुपके क्यों करना है, क्यों डर है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए हमारे सारे संबंध निर्लिप्त रहे, डिटैच्ड और खुले हो, उसमें कुछ भी छुपाने जैसा ना हो। छुपाना है अर्थात कुछ तो गड़बड़ चल रही है।
छठवां अध्यावसाय या फिर संकल्प, संकल्प करना समीप जाने का। सिक्स्थ थॉट, उस स्त्री के समीप जाने का संकल्प, एकांत में मिलने की प्लानिंग। सातवां अध्यावसाय, वास्तव में जाना। ये सात सूक्ष्म स्वरूप है काम के, शास्त्रों में लिखा है। वैसे तो आठ है, और आठवां द एक्चुअल एक्ट, काम कटारी। ये आठ हो किसी भी स्थान पर, किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में अगर होते हैं तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। किसी भी स्थान, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में। पहला बताया दर्शनम, हमारी दृष्टि को पावन बनाना है। दूसरा स्पर्शनम, स्पर्श काम का खंडन, ब्रह्मचर्य का खंडन है। जितना हो सके हाथ ही नहीं लगाना है, टच ही नहीं करना है किसी को भी, जितना हो सके। युधिष्ठिर से पूछा गया, जब तुम्हारी मां कुंती है क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? वो कहता है आई एम नॉट श्योर। धर्मराज बोल रहा है, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, धर्मराज, क्या तुम्हारी मां के प्रेजेंस में तुम्हारा मन काम से मुक्त है? महाभारत में लिखा है, वो कहता है आई एम नॉट श्योर। इतना प्रभाव है उसका। दर्शनम, स्पर्शनम, तीसरा बताया प्रशंसा, ये बहन बहुत अच्छी है, वो अच्छा है, ठीक है, सभी अच्छे हैं, पागल थोड़ी होना है किसी के पीछे, अच्छा है तो अच्छा है, रहने तो अच्छा। उसी का मन में गुणगान करते रहना या दोस्तों के सामने गुणगान करना, दूसरों के सामने प्रशंसा करनी है, पर इतनी प्रशंसा नहीं करनी है किसी की कि उससे हम प्रभावित होने लगे। कोई भी हो, फिर वो भी भक्ति मार्ग है एक रीति से देखा जाए। अगर वो सम्मान के कारण प्रशंसा आ रही है तो हम उसके भगत बन रहे हैं, अगर मोह के कारण आ रहे हैं तो उसके प्यार में फंस रहे हैं। क्यों फंसना है किसी के प्यार में? बहुत चोटें लगेगी उस मार्ग में। चौथा बताया केली, खेलना साथ साथ, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड कंपेनियनशिप, अकेले निकल जाओ जितना हो सके। पांचवा सीक्रेट टॉक्स, लंबा बातें करने की आवश्यकता नहीं, तीन मिनट, दैट्स इट, स्टॉप, क्यों बात कर रहे हैं, उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, सेंटर पे क्या हो रहा है, हमें क्या करना है। अगर वो ब्रह्मा कुमारी है, उसका पति है, वो देखेगा, वाई टू इंटरफियर इन समबडीज मैरिड लाइफ। पतियों का पति बैठा है ऊपर, वो देखेगा उसका क्या करना है, हम क्यों उसमें इन्वॉल्व हो जाए या और किसी और में। एक है खुद विकारी बनना, गड्ढे में गिरना, और एक है दूसरे को साथी बनाकर दोनों को गिराना खुद, ये ज्यादा पाप है, बड़ा पाप है। कोई निर्विकारी आत्मा है उसको सहभागी बनाना। शिकारी जंगल में खो गया,
तीन दिन तक न मनुष्य दिखा, न पशु, न पक्षी, न परिंदा, कुछ नहीं। भटकता रहा जंगल में, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां। और तीन दिन के बाद देखता है झाड़ के नीचे एक मनुष्य बैठा है। इतनी खुशी होती है कि कोई तो मिला, इतने दिनों के बाद कोई नहीं मिल रहा है, किससे बात करूं। वीरान सुनसान जंगल, सन्नाटा। भाग के जाता है और वो जो झाड़ के नीचे बैठा है वो भी एक शिकारी है, वो भी ऐसा ही भटका हुआ है तीन दिन से, उसे कोई नहीं मिला। दोनों मिलते हैं और इतने खुश होते हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। पर रास्ता दोनों को भी नहीं पता, अब दोनों साथ साथ मिलके भटक रहे हैं। एक भिखारी को दूसरा भिखारी मिला, साथ साथ भीख मांग रहे। इसी को समाज विवाह कहता है। ना उसके पास कुछ है, ना इसके पास कुछ है, सोचते हैं दोनों मिलके दुनिया बसाएंगे, तुम और हम। काहे की दुनिया और कौन सी दुनिया। लैला और मजनू, अच्छा हुआ मिले नहीं कभी, इसीलिए प्यार हमेशा रहा। अगर मिल गए होते झगड़े चालू हो गए होते। रोमियो जूलियट, शादी अगर हो गई होती तो शायद एक साल के अंदर ही अलग हो गए होते। जब तक दूर है तो प्यार है, नजदीक आ जाते हैं। एक स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हर मैरिड व्यक्ति ने अपने जीवन काल में चार बार तो ये सोचा ही होगा, अगर समय मिल जाए और अवसर मिल जाए तो इसका गला घोट दूं, मार ही दूं इसको। जीवन काल में, टोटल मैरिड लाइफ में 4 times उसके मन में ये विचार तो आया ही होगा कभी ना कभी। ये साइकोलॉजिस्ट की स्टडी है। इसलिए अपने आप को समझाना है, मैं ये क्या कर रहा हूं। चालू कहां से होता है, बातों से ही तो चालू होता है। इधर से बातें, उधर से बातें, उधर से बातें, उधर से बातें। उसको उसकी बातें अच्छी लगती है, उसको उसकी बातें अच्छी लगती है। इतिहास में दिखाया है चंद्रगुप्त, प्रेम हो गया है उसको दुर्धरा से, धननंद की बेटी है वो। चाणक्य से कहता है कि गुरुदेव ये क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अजीब सी फीलिंग है, बता नहीं सकते, फर्स्ट लव। चाणक्य कहते हैं कि तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हें बहुत विलक्षण और अद्भुत से भाव उत्पन्न हो रहे, ऐसा जो आज तक कभी महसूस नहीं हुआ, ऐसा तुमको फील होगा। पर मैं तुमसे कहता हूं यह केवल एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, बस और कुछ नहीं। एक स्त्री का, एक पुरुष का स्त्री के लिए आकर्षण, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। वो वीडियो देखा है सबने, चाणक्य वाला, सेव करके रखना चाहिए, ढूंढना पड़ेगा, जहां पर वो समझा रहा है चंद्रगुप्त को क्या है ये, क्या हो रहा है तुमको, क्या अवस्था है ये मन की। काफी फेमस है, कईयों के पास है। उसमें संवाद है चंद्रगुप्त का और चाणक्य का, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। चंद्रगुप्त चाणक्य कहता है आपके पास, चाणक्य कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, ये सिखाना भूल गया बस, और इसी में तुमने मार खा ली, ये भी शायद मेरी ही गलती है। ये तुमको लग रहा है अजीब सा, मुझे कुछ हो रहा है, अजीब सा कुछ भी नहीं है, साधारण है ये। और इतना गहरा संवाद है। चाणक्य कहता है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए यह ठीक है, पदाती सैनिक के लिए, पर जिसे अखंड भारत का निर्माण करना है, जिसे महान बनना है, उन्हें ये
आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। साधारण सैनिक के लिए ठीक है, पर जिसे अखंड भारत का सम्राट बनना है, और चंद्रगुप्त भारत का पहला प्रथम सम्राट था, जिसका निर्माण उसके गुरु ने किया, और यही कीमत चंद्रगुप्त ने चुकाई। ये अनुचित है, किंतु क्या करूं? मेरे मन के किसी कोने में उसके लिए जो भावनाएं हैं, वे रह रहकर मुझे आंदोलित करती थी। एक प्रकार से कह सकता हूं, इसमें तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है चंद्रगुप्त। तुम्हें मैंने सभी प्रकार की विद्याएं दी, किंतु अपने चित्त को संभालने के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे पाया, विशेषकर ऐसी संवेदनशील भावनाओं को संभालने के बारे में, क्योंकि समूचे ब्रह्मांड और गणित का ज्ञान तो पुस्तकों से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु ये जो मन की आसक्ति से उपजा उद्वेग है, उसे अपने अनुभवों से ही समझा जा सकता है। मेरी ये दृढ़ मान्यता है कि बच्चों को पहले 5 वर्ष तक अपने हृदय का टुकड़ा मानकर भरपूर प्रेम देना चाहिए, क्योंकि अगले 5 वर्ष उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। तो मेरी मान्यताओं के अनुसार अब तुम मेरे प्रिय मित्र की तरह हो चंद्रगुप्त, और अब हृदय को समझने के लिए और उसे संतुलित रखने के लिए मैं अपने अनुभवों से तुम्हें विभिन्न मार्ग दिखा सकता हूं। तुम्हें इस समय जिस पीड़ा का अनुभव हो रहा है, वो किसी भी तरह से विशिष्ट नहीं है, किंतु तुम्हें लगता है तुम्हारे हृदय में झंझावत चल रहा है, वैसी पीड़ा का अनुभव अब तक विश्व में किसी ने किया ही नहीं होगा, किंतु ये एक साधारण सा आकर्षण मात्र है, एक पुरुष का एक स्त्री के लिए आकर्षण। यदि इस आकर्षण और इस आकर्षण के प्रभाव को ना किया गया, तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। आचार्य, एक स्त्री और पुरुष का मिलन कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति अपनी सत्ता और शक्ति का निष्पक्ष रूप से निष्पादन करने में असमर्थ हो जाता है, फिर वो अपने ही पूर्वस्व छाया भर रह जाता है, वो सदैव असुरक्षा की कुंठा से पीड़ित रहता है। ये सब किसी किसान, किसी व्यापारी, किसी पदाति सैनिक के लिए सामान्य हो सकता है, किंतु जिसने अखंड भारत के सम्राट बनने का लक्ष्य निर्धारित किया हो, उसके लिए प्रेम, आसक्ति, कामुकता उसके पतन का कारण होती है। कभी कभी सोचता हूं आचार्य, कि यदि इस लक्ष्य को पाने के लिए
इतना भारी मूल्य ना चुकाना पड़ता तो साधारण मूल्य चुकाकर यदि इतना बड़ा लक्ष्य मिल पाता तो कोई भी अखंड भारत का निर्माण कर लेता। फिर ना तो किसी चाणक्य की आवश्यकता होती और ना ही किसी चंद्रगुप्त की। आचार्य, चंद्रगुप्त कोई ब्रह्मचारी तो है नहीं, तो क्या से प्रेम का भी अधिकार नहीं है? क्यों नहीं, जब उसकी मां मातृभूमि उससे अपनी मुक्ति के लिए चीख चीख कर पुकार रही हो तो क्या ऐसे समय में प्रेम में उलझना उचित है? और होता क्या है प्रेम? एक ऐसी मादकता, एक ऐसा नैतिक नशा जिसमें डूबकर आसपास का सारा सत्य निरर्थक लगने लगता है और व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसी में सारे अर्थ माहित होने लगते हैं, बुद्धि शिथिल हो जाती है, वो जागते में स्वप्न देखने लगता है। जबकि समय की मांग ये है कि वो अपना हर पंख फूंक फूंक करके, और यदि उसे प्रेम करना ही है तो पहले सामने वाले को भली भांति जान ले, और यूं भी जो प्रेम वर्षों से संजोए सपने और अपने समूचे व्यक्तित्व को नष्ट कर दे वो प्रेम प्रेम नहीं भूल है, अपराध है। अखंड भारत का निर्माण एक ऐसी शैया है जिस पर तरह तरह के आत्मानुशासन के कांटे बिछे हैं, और इस पर वही लेट सकता है जिसने अपने शरीर को अभ्यास करके वज्र सा बना लिया हो, और इस प्रकार के व्यक्ति के लिए स्त्री का आकर्षण विध्वंसकारी होता है। विश्व में निष्कलंक पौरुष सा सुंदर कुछ नहीं, स्त्री से स्वच्छंद कोई जीव नहीं। स्त्री में पुरुष से दो गुना भूख, चार गुना लज्जा और आठ गुना कामुकता होती है। भले ही ये तुम मान लो कि तुमने सब कुछ जान लिया है, फिर भी तुम स्त्री को कभी नहीं जान सकते। किंतु इस समय तुम्हारे समक्ष पर यह होना चाहिए चंद्रगुप्त, खंड भारत के अमर के लक्ष्य के अनुरूप क्या तुमने स्वयं को वज्र सा बना लिया है? और वज्र बाहर से ही नहीं, भीतर से भी बनना पड़ेगा। तुम अपने मन की आज्ञा के अनुसार ना चलो, अपितु तुम्हारा मन तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ले। ऐसा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को ही वज्र स्नायु वाला व्यक्ति माना जाता है, और इतने बड़े लक्ष्य के लिए इससे कम की अपेक्षा की है। तो चंद्रगुप्त, विगत दिनों के अनुभवों ने यदि तुम्हारे मन को उद्वलित किया है तो अपने मन को फिर से वश में करो और लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। पृथ्वीराज चौहान भी बहुत बड़ा सम्राट था, पर मन फंस गया कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान की हार अर्थात एक युग की समाप्ति हुई। भारत में सीधा मुगलों का शासन आ गया। भारत का अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान, प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों में एक ही अंतर है, दोनों भी महान थे,
इसने अखंड भारत का निर्माण किया, जो भारत खंड खंड बटा हुआ था उसको जोड़ा। और पृथ्वीराज चौहान, वो भी बहुत महान था पर प्यार में फंसा था। मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ तो विकार में था, हार गया। 1190, 1293 बस मुगल आ गए भारत में, नहीं तो मुगलों का शासन इतना समय 600-400 वर्ष चलता ही नहीं था, आते ही नहीं थे। मोहम्मद गोरी गुलाम वंश को छोड़ के गया, गुलाम वंश, लोधी, तुगलुक, बाबर, हुमायूं, अकबर, चालू। तो समझना है इस विकार को, भागना नहीं है उससे, दबाना नहीं है उसको। जितना दबाएंगे वो सुनामी की तरह बाहर निकलता है। समझना है उसको, समझ के समाप्त करना है। स्थिति चंद्रगुप्त की बहुत नाजुक है, क्योंकि प्यार बहुत नाजुक चीज है, पर वो प्रेम है नहीं वास्तव में, जिसे व्यक्ति प्रेम कह रहा है। तो पहला बताया, देखना, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रशंसा, केली, गुह्य भाष्य, उसके बाद में संकल्प करना, मिलने का संकल्प, एकांत में मिलने का संकल्प। एक ब्रह्मा कुमार, एक ब्रह्मा कुमारी से कहीं पर भी एकांत में ना बैठ के बातें करते रहे। कहते हैं हम ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम करने वाले आज कहां के कहां पहुंच गए। वो यहां बैठे तो अच्छा योग लगता है, बाजू में बैठ के साथ साथ संकल्प, अध्यावसाय, अध्यावसाय अर्थात एक्चुअल मीटिंग। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा, आप सन्यासी हो, तपस्वी हो, क्या आपको काम नहीं सताता? वो कहते हैं सताता है, रोज आता है, पर मैं व्यस्त इतना रहता हूं कि दरवाजे से ही बाहर चला जाता है, ठक ठक करता है, पूछता है मैं आऊं, मैं कहता हूं आई एम बिजी। इसलिए काम से संपूर्ण मुक्ति का मार्ग है अपने आप को इतना व्यस्त कर देना, अपनी दिनचर्या को इतना श्रेष्ठ बना देना कि उसके लिए टाइम ही नहीं है ये सब चीजों के लिए, किसमें इन्वॉल्व हो, किसमें फंसे, पहले ही देख लिया क्या होता है उसमें, क्या क्या झंझट है उसमें। एक गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु कुछ कर, बहुत दुखी हूं गृहस्थी से, पहले कुमार था अभी गृहस्थी हूं, मन्नत पूरी कर, वापस कुमार बना दे। भगवान कहते मन्नत मांग, तो कहता है वापस कुमार बना दे। भगवान कहता है मैंने मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं, कुमार जीवन अर्थात जन्नत। पता तब चलता है जब उधर फंस जाते, इसके लिए पहले ही पता कर लेनी। पाप ही साथी है, उसी के साथ सब कुछ करना है, संकल्प भी नहीं करना है उतर जाने। गए तो जैसे एक बॉल सीढ़ी के नीचे फेंको, कहाँ जाता है? नीचे, ऊपर आने का कोई चांस नहीं है उसका। कितने ब्रह्मा कुमार, कितने सारे हमने देखे आंखों के सामने चले गए, आज पछता रहे, पर करे क्या, फंस गए। अब कहते हैं ये जो बच्चे हैं ये भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं, क्या कहेंगे? कहते इनको ही लाने के लिए मैं गया था, नहीं तो ये कैसे आते? पुण्य कर्म। सूक्ष्म स्वरूप को समझना है, कहां से आसक्ति, कहां से उद्वेग, कहां से वो आसक्ति चालू होती है। शुरुआत तो आसक्ति से ही होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती है, और कहां के कहां पहुंच जाते, और फिर पश्चाताप। मधुबन में ऐसे उदाहरण है, एक ब्रह्मा कुमार, एक कुमारी,
एक इधर एक उधर भाग के शादी की और फिर माफियां मांगते रहे। आज भी बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, पर कहना तो पड़ता है ना ये मेरा युगल है। अब भी पवित्र है पर बोलना तो होता है ये मेरा युगल है, ये भी तो बंधन है। स्वतंत्र जीवन में बहुत आनंद है, किसी का कोई झंझट नहीं, और वो जीवन फंसते जाओ। सारा जीवन एक साथ बिताते हैं, कोई पति कह सकता है मैंने अपनी पत्नी को पूरी तरह से समझ लिया है ना? मुश्किल है। एक साथ जीते हैं दोनों फिर भी समझ नहीं पाते, अतृप्ति रहती है। हम ये नहीं कह रहे कि वो जीवन बहुत खराब है, उसके अपने फायदे हैं, पर जिनको पहले ही ज्ञान मिल गया है वो तो उधर बिल्कुल ना जाए। हाँ, जिनको होने के बाद ज्ञान मिला है अब वो उस जीवन में रहते हुए पवित्र रहे, कमल समान रहे, उनका अपना पुरुषार्थ है। तो काम के जितने ये सूक्ष्म रूप बताए, अलर्ट रहना है, जागरण रहना है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास स्वामी, शादी हो रही थी उनकी, मंडप सजा था, सेहरा लगा हुआ था, वो पंडित जी कहते शुभ मंगल सावधान, उनको लगता है ये सावधान क्यों कहा, मतलब गड़बड़ है कुछ, और जो भागते हैं शादी के मंडप से वापस ही नहीं आते कभी, गए तो गए सीधा साधु ही बन जाते हैं, फिर यहां वहां घूमते हैं साधु वापस नहीं आते, जरूर कुछ तो है। सावधान अर्थात खतरा। इसलिए दमन ना हो, समझ के करना है। दो मार्ग है, एक है भोग, एक है त्याग, दोनों भी नहीं करने। संसार में वही किया लोगों ने, आधे लोग भोग में डूबे रहे, आधे लोग सन्यासी बने। सन्यासी बनकर भी चिंतन किसका, स्त्री का ही चिंतन, इसलिए तो दिखाया है शास्त्रों में अप्सराएं। अप्सराओं को क्या पड़ी है बेचारे, वो जंगल में खाना बिना छोड़ के दुबले पतले दुकड़े उनके सामने आके नृत्य कर रही, कौन सी अप्सराएं? कोई अप्सराएं नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड है, सप्रेस्ड माइंड का प्रोजेक्शन है बस, और कुछ भी नहीं है। जो दबाया हुआ था वो वहां निकल रहा है सारा, ऐसे कोई अप्सरा कहीं से नहीं आ रही है, इधर से ही सब कुछ निकल के बाहर आ रहा है। दमन था, दमन ना हो, उदात्तीकरण हो, स्पिरिचुअलाइजेशन, सब्लिमेशन, हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है सब्लिमेशन, सेंशुअल सेक्सुअल डिजायर्स, दे शुड गेट सब्लिमेटेड इनटू स्पिरिचुअल डिजायर्स। उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, जितना दबाओगे उसको और निकलेगी और निकलेगी और निकलेगी, और एक दिन प्रकट होगी और ऐसी सुनामी की तरह बाहर आएगी कि विकर्म कर बैठेंगे। इसलिए ये नियम, इसलिए ये मर्यादा है। जितने संसार में जेल है पूछो, वहां जाके पूछो क्यों ये दुष्कर्म किया, वो कहते हमें भी नहीं पता चला ये 10 मिनट में क्या हो गया, सारी उम्र कैद जेल, क्या सुख मिला। और वो छोटी छोटी लड़कियों के साथ, वासना का आवेग था, एक्साइटमेंट थी, कुसंग था, टीवी था, इंटरनेट था, प्रभाव था, समझ ही नहीं पाया, मन विवश हो गया।
इसलिए अपने आप को ज्ञान में, तपस्या में, चिंतन में, मुरलियों में, क्लासेस में, सेवाओं में बिजी कर देना, इतना झोंक देना है, बिजी कर देना है। इस संसार में तो विकार ही विकार है। सेवा केंद्र से जो सेवाएं मिली अनन्य भाव से करनी। हमने ऐसे ऐसे कुमार देखे हैं, ऐसे ऐसे कुमार देखे हैं सेवा केंद्रों पर, सब कुछ करते हैं। वहां की बहनों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे अभी हम पिछले 3-4 साल से जितने सेंटरों पर गए, 50-60 भट्टियों के लिए, ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं, अनन्य मल्टीपर्पस वर्कर जैसे होते हैं। ये भी करेंगे, साउंड भी देखेंगे, ट्रांसपोर्ट में भी देखेंगे, इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, सफाई भी करेंगे सुबह सुबह। हमको खुद याद है, जैसे हमने अपनी जीवन कहानी बताई, सीधा मधुबन आ गए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए। जिस सेवा केंद्र पे गए थे उसमें हम एक ही कुमार थे और कोई कुमार था ही नहीं उधर। पदयात्रा 2007 में आई थी वहां पर जहां हम थे। 2 दिन में 11 प्रोग्राम कराए थे, बाइक सुबह से लेके रात तक, ये जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इसको मिलूं, उसको मिलूं, क्या करूं और क्या नहीं करूं, ऐसा नशा सेवा का। एमबीएम कॉन्फ्रेंस थी मधुबन में, हम अकेले ही थे, एक एक हॉस्पिटल में जा जा के इन्विटेशन, एक एक डॉक्टर के क्लिनिक के सामने आधा आधा घंटा, एक एक घंटा रुकना पड़ता था। ऐसे एंट्री थोड़ी देते हैं वो लोग, और तब हम छोटे थे, जूनियर डॉक्टर थे, और कोई डॉक्टर के हैसियत से नहीं जा रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव ब्रह्मा कुमार जा रहे। पहली बार इतनी सारी मेहनत करने के बाद एक डॉक्टर तैयार हुई बस, वो भी डॉक्टर नहीं, स्टैटिस्टिशियन थी। पर बहन जी ने कहा उसको भी लेके जाओ, उसको लेके गए, लेके गए, वो भी इतनी मुश्किल से 4 चीजें बदलनी पड़ी, पहले बस, फिर दूसरी बस, फिर ट्रेन, फिर बस। कुछ मुश्किल थी इसके लिए। दूसरी बार 24 लोग लेके गए, तीसरी बार 108 डॉक्टर्स तैयार किए, उनका सबका टिकट बनाना, लाइन में खड़े रह के। काउंटर खुलता है 8 बजे, सुबह 6 बजे से 5 बजे से वहां पे स्टेशन पे सबका टिकट बनाना। टिकट बनाने के बाद लास्ट मोमेंट में हम नहीं आ रहे, कैंसिल करो, फिर से जाके। तो सेवा बहुत बड़ा भाग्य है। जब सेवा पुकारे सब छोड़ दो। हमें याद है हम मेडिकल कॉलेज में थे, पढ़ रहे थे जहाँ पर हम गए थे, और ये पदयात्रा आई थी, हमारी तो छुट्टी थी, फिर भी हमको हमारे टीचर ने बुलाया और बहुत डांटा, और ऐसी चीज़ के लिए कि जिसमें हमारा कोई काम नहीं था, फिर भी हमने चुपचाप सब सुन ली, क्योंकि सेवा करनी। इनसे हम लड़ने के मूड में हम नहीं है, ना ही हम कभी लड़ते हैं किसी से वैसे, ना ही कोई जस्टिफिकेशन एक्सप्लेनेशन देना, चुप रहे, निकल गए वहां से। 2 दिन में 11 प्रोग्राम्स 11 अलग अलग जगह पर, और वो भोजन और वो बड़े बड़े बर्तन और वो सब कुछ। तो सेवा हमारी प्यूरिटी को में हेल्प करेगी। जो काम दे दिया, सामने वाला निश्चिंत हो जाए कि वो होगा ही, इतना विश्वास जीतना है बड़ों का, तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और कुमार जीवन अर्थात हार्ड वर्क, हर प्रकार की सेवा करनी, हर प्रकार की सेवा, सेंटर में झाड़ू लगाने से लेके तो सब कुछ, तो बाथरूम साफ करने तक की। चाहे वो लाखों के सामने भाषण देना हो, या बाथरूम साफ करना हो, या बर्तन साफ करना हो, भाव क्या है हमारा। और कुमार जीवन हार्ड वर्क के लिए है, अनन्य सेवाओं के लिए है, दिन रात सेवाओं के लिए है। एक भाई है मधुबन में, शुरुआत में एक ही था, इतना बड़ा डिपार्टमेंट संभालता था। प्रकाश मेरी दादी को लगा कि कोई इसको हैंड देने चाहिए 2-3,
दो तीन लोग दे दिए। वो दादी के पास पहुंचा और क्या कहा पता, दादी हमारा भाग्य बट गया, अब तक अकेले का भाग्य था, अब बांट गए, बढ़ गया दो तीन लोग आके। और उसी भाई ने यह भी अनुभव सुनाया था, एक बार अव्यक्त बाप दादा ओम शांति भवन में टोली दे रहे थे एप्पल, तो बाजू की जो बहन थी वो कहीं चली गई, तो बाबा ने भाई को एक एप्पल दिया, फिर कोई था नहीं, बाबा ने दूसरा एप्पल दिया, फिर तीसरा एप्पल दिया, वो बाबा को देखते रहा, तीसरा चौथा, फिर अपना कुर्ता ही सामने कर लिया उसने, पांचवा, बाबा देते जा रहे और वो आंसू आ रहे उसको। ये वही भाई है जिसने ये कहा था, अभी भी है कि दादी भाग्य बढ़ जाएगा। कोई दूसरे होते तो चिल्लाते रहते, हैंड चाहिए हैंड चाहिए हैंड चाहिए, ये एक वन मैन आर्मी सब कुछ कर रहे हैं, काम को जीतना है तो सेवाओं में डुबो दो स्वयं को। संसार के कार्य धंधा दोरी तो लास्ट तक चलते रहेगा, कभी उसका अंत नहीं, उससे कोई पुण्य नहीं मिल रहा है, पैसे मिलेंगे बस, क्या करोगे पैसों का, यज्ञ में कब लगाओगे, जब एक पैर कब्र में होगा तब। बाबा को पैसे नहीं चाहिए, संकल्प चाहिए, पैसे नहीं चाहिए उसके, उसको तुम चाहिए, तुम व्यक्ति चाहिए उसको, वस्तु नहीं। वस्तु तो बहुत मिल जाएगी उसको, एक टच करा देगा किसी को, करोड़पति को सारी संपत्ति समर्पित कर देगा एक क्षण में, क्या नहीं करा सकता हो, किसी को भी टच करा देगा, यज्ञ में धड़ से पैसे आ जाएंगे, पर उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे व्यक्ति चाहिए, उसे हैंड्स चाहिए, उसे पवित्र कुमार चाहिए और कुमारियां चाहिए उसके यज्ञ को चलाने के लिए, और वो हम हैं। क्या हम कर रहे हैं, क्या हम विश्वास पात्र हैं, क्या हमें जो काम दिया जाता है संपूर्ण निष्ठा से और संपूर्ण जिम्मेदारी से हम करते हैं। जगदीश भाई को बाबा ने कहा था कि लेटर लिखना है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, शायद 5-6 लोग थे, सबको कहा, सब लोग कमरे में गए, लाइट चली गई, सबने सोचा आज क्या लिखना है, लाइट चली गई, बाबा को बोल देंगे कैसे लिखे। जगदीश भाई गए, वो पर्ची लेके, कागज लेके, वो स्ट्रीट लाइट में बैठ के लिखा रात भर, वो हंसने लगे। सुबह जब आने लगे 4 बजे तो ये लोग योग करने जा रहे हैं, और फिर बाबा की क्लास, बाबा ने पूछा तक नहीं, सब लोग खुश हो गए, देखा पूछा भी तो नहीं। घूमने गए पहाड़ी ऊपर, आए फिर पूछा किसने लिखा, जगदीश भाई ने अकेले ने लिखा था, और बाबा ने वरदान दिया इस यज्ञ के, यू विल बी द चीफ स्पोक्समैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। कैसे दिया वो वरदान, ऐसे ही थोड़ी मिल गया। जो काम दिया गया संपूर्ण निष्ठा से किया, या तो काम ही नहीं लो, मना कर दो सीधा, नहीं होगा हमसे, छोड़ो, पर यदि हाँ कह दी जाए तो सामने वाला व्यक्ति निश्चिंत हो जाए। हमारे ऊपर कोई बोझ ना हो। हमने देखा है कई सारे कुमार हाई लेवल ऑफ समर्पण, एक सेंटर पर हमने ऐसे देखा है, एक ही कुमार सब कुछ कर रहा है, सब कुछ, वन मैन आर्मी जैसे, कई सारे सेंटरों पर है, और कई सारे सेंटरों पर संगठन देखे कुमारों के, ऐसे संगठन पांडव भवन बने हुए हैं, 4-5 लोग एक साथ रहते हैं, भोजन बनाते हैं सेंटर पर, दिन रात सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ट्रैवल करते हैं, रात में पहुंचते हैं, भोजन बनाते हैं, अमृत वेला सेंटर, अमृत वेला रूम पर, सेंटर पर 6 बजे जाते हैं, सब कुछ करेंगे, वो माइक लगाने से सिर्फ सारी सेवा, ये भी कितनी बड़ी सेवा है, साउंड, सफाई, निश्चिंत कर देना किसी को कि हम हैं,
बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत सूक्ष्म पुण्य है, और यही प्यूरिटी में मदद करेगा। प्यूरिटी का मार्ग केवल मैं महान आत्मा हूं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं बोलने से नहीं होगा, या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर ली और बहुत खुशी हो गई, वो क्षणिक है। लॉन्ग टर्म के लिए तो बलिदान चाहिए। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज चंग की घड़ी का तुम गुहार दो, आग की लपट का तुम बघार दो। किसका बघार चाहिए? आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, जिस कवि की कल्पना हो, जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को तुम नकार दो। ये तपस्या का मार्ग है, अग्नि कुंड है, विजय पथ है, कांटों का मार्ग है। पवित्रता इतनी सस्ती नहीं है। ब्रह्मचर्य आ जाएगा, त्याग मांगता है। रग रग में सेवा करनी है। सूरज भाई बताते हैं यज्ञ के शुरुआत में कितनी कड़ी मेहनत करते थे वो सारे लोग। हार्ड वर्क, बड़े बड़े पतेले किचन में, क्या क्या सेवाएं की है वो सबने। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। हमारा जीवन सफल हो इसके लिए सेवाओं को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सेंटर की छोटी सी छोटी सेवा हो, झोंक देना है अपने आप को उसमें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। एक एक रोटी जो तोड़ी है इस ब्रह्मा भोजन की, उसका भी हिसाब होगा एक दिन। मधुबन में जाते हैं, क्या किया वहां जाके? ब्रह्मा भोजन खा के आ गए बस। स्थिति को क्या किया, कितना बनाया, प्यूरिटी को कितना ऊंचा उठाया। कामचोर, लापरवाही, अलबेलापन, आलस, बोझ है बोझ। जगाना है खुद को प्यूरिटी के लिए, यज्ञ के लिए, सेवाओं के लिए। बहन और वो कुमार सुबह से लेके रात तक सेवा में लगे हुए हैं। 10 बजते हैं, कुमार घर जाता है, वो कहता है ये बहन ने मुझे भोजन का भी नहीं पूछा। अरे भोजन का क्या पूछती, वो भी तो सेवा कर रही है तुम्हारे साथ। उसने भी कहाँ खाया है, उसने भी कहाँ रेस्ट की है, तुम्हें अपनी चिंता है, उसका क्या? उसका जीवन देखो कैसा है, ज्वाला भवन में है, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। सुबह से लेकर रात तक मर 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 सेवा सेवा सेवा, और हम क्या कर रहे हैं? खाली बस बैच लगा के घूम रहे। ये सेवा थोड़ी है। तैयार करना है अपने आप को, फिर पवित्रता आएगी, फिर सारे विकार भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये प्यूरिटी के साथ बातें बताई थी, वैसे ही क्रोध के भी है छोटे छोटे रूप, अलबेला, चिड़चिड़ापन, रोब, रूसना, रूठना, नाराज होना, ये क्रोध के। लोभ के भी ऐसे ही, अहंकार के भी ऐसे, मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया, किससे पूछ के किया, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मुझे पूछ के करना चाहिए था, मेरे सिवा अगर करते हो तो जाओ हम नहीं आएंगे, सब अहंकार के रूप है छोटे छोटे। चोर तो चला गया, इधर इधर ये चालू है। मोह, ये अच्छा लगता है, ये अच्छी लगती है, इसके साथ सेवा अच्छा लगती है, लगाव है व्यक्तियों से। चाहे क्रोध के रूप हो छोटे, काम के हो, लोभ के, अहंकार के, कोई भी हो, हमारा लक्ष्य है निर्विकारी बनना, तपस्वी बनना। तो ऐसा अपने आप को तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।